प्लेयर ने 12 मार्च को अपनी नवीनतम पेशकश चक्रव्यूह का प्रीमियर किया और इसने सभी क्राइम थ्रिलर प्रेमियों को उत्साहित कर दिया। ये एक तेज तरार वेब सीरीज है जिसमें ट्विस्ट से भरपूर एक प्लॉट और दिलचस्प किरदारों का एक मिश्रण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ शाहीन अली। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज चक्रव्यूह के रिव्यू के बारे में। अभी अभी राज और सागरिका का स्टेटमेंट है क्षितिज के कंप्यूटर पे। दोनों मर्डर्स में डेफिनेटली कुछ कनेक्शन है। ये सीरीज हिट क्राइम उपन्यास एंटी सोशल नेटवर्क का आधिकारिक रूपांतरण है जिसे पीयूष झा ने लिखा है। सीरीज में प्रतीक बब्बर एक सुपर कॉप वीरकर के रूप में है। वो एक हत्या के मामले से संबंधित है जिसमें साइबर अपराध, इंटरनेट अंडरवर्ल्ड और एक हत्यारा शामिल है जो अक्सर खेल से एक कदम आगे होता है। चक्रव्यूह एक रोमांचक अपराध थ्रिलर सीरीज है जिसमें सम्मोहक साजिश है जिसे आप याद नहीं कर सकते। वेब सीरीज नए जमाने का थ्रिलर है जब कैमरे की नजर से कुछ भी बचा नहीं है और बंद कमरों की अतरंग तस्वीरें तथा प्राइवेट वीडियो तक उसमें कैद है। कैमरे की ये निजी तस्वीरें और वीडियो कभी गलती से, कभी शरारतपन और कभी षड्यंत्र के द्वारा लीक हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इनका बड़ा बाजार बन चुका है। ग्लोबल दुनिया के ये लीक वीडियो आपको गली मोहल्लों में मिल जाएंगे। इस कारोबार का ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें फंसने वाला बाहर नहीं निकल पाता। ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर आई ताजा वेब सीरीज में इसी चक्रव्यूह का थ्रिलर बुना गया है जो ना केवल इसमें फंसने वालों की छटपटाहट दिखाता है बल्कि इससे जुड़े अपराधों तथा अपराधियों को भी सामने लाता है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के कहानी के बारे में। लेखक पीयूष झा के करीब 7 साल पहले आए अंग्रेजी उपन्यास एंटी सोशल नेटवर्क एंड इंस्पेक्टर वीरकर क्राइम थ्रिलर से प्रेरित ये वेब सीरीज निर्देशक सजित वरियर लाए है। चक्रव्यूह की एक कहानी रोचक है। मुंबई में अकेलेपन की शिकार सागरिका पुरोहित, जी हाँ यानी कि रूही सिंह का मुलाकात सहेली के जरिए एक युवक रात से होती है। मोबाइल पर सोशल नेटवर्किंग के सहारे हुआ इंट्रो सागरिका को पहले क्लब और फिर ऐसे कमरे तक पहुंचाता है जहां उसका एमएमएस बन जाता है। ये सोशल मीडिया में लीक ना हो जाए इसलिए वो ब्लैकमेल होना शुरू होती है। इसी दौरान राज की हत्या हो जाती है और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर वीरकर यानी कि प्रतीक बब्बर की कहानी में एंट्री होती है। इससे पहले कि ये केस सुलझे सागरिका गायब हो जाती है और एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है। क्या सागरिका अपने साथ हुए धोखे का बदला ले रही है? जब तक वीरकर ये बात स्थापित कर सके तब तक सागरिका की लाश सामने आ जाती है। चक्रव्यूह एक अनोखी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ तेज रफ्तार से चलता है। यहाँ इंटरनेट की तरंगों से पैदा होने वाली वो आभासी दुनिया है जिसमें आज का युवा जकड़ा है और निरंतर कई तरह के खतरों की जद में है। यहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ का आसान शिकार कर रही है। वेब सीरीज में एक के बाद एक किरदार तेजी से आते जाते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, हैकिंग, डार्क वेब, अकेलापन, डिप्रेशन और ब्लैकमेलिंग केंद्र में है, जबकि इन तमाम नेगेटिव चीजों से अकेले जूझने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर वीरकर पर है। इसमें भी समस्या ये है कि वीरकर के काम करने के तेज तर्रार अंदाज से उसके सीनियर नाखुश है और डीसीपी उसे चलते केस के बीच से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर देते हैं। तय है कि इसके बाद भी इंस्पेक्टर अपराधियों का पीछा नहीं छोड़ता और मिशन पूरा करने की दम लेता है। आइए अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के एक्टिंग के बारे में। प्रतीक अच्छे अभिनेता है और यहाँ अपने रोल को उन्होंने बखूबी निभाया है। सिमरन कौर मुंडी, रूही सिंह और आशीष विघारती भी अपनी भूमिकाओं में जमे हैं। सजीत वरियर कहानी पर पकड़ बनाए रहते हैं और करीब आधे आधे घंटे की 8 कड़ियों वाली ये वेब सीरीज कहीं ढीली नहीं पड़ती। इतना जरूर है कि इसे और बेहतर ढंग से लिखा जा सकता था क्योंकि उपन्यास में बहुत कुछ विस्तार से पहले ही मौजूद है। खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की कार्यशैली में कुछ नया जोड़ने दिखाने की जरूरत थी। यहाँ की जाने वाली मेहनत वेब सीरीज को नया रंग दे पाती। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर दर्शकों को ये सीरीज कितनी पसंद आती है। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क पर चक्रव्यूह वेब सीरीज के ऊपर कुछ खास पेशकश। तो आगे हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।